हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सूर्या क्लासेस। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। हम लोगों ने स्टार्ट किया है इनकम मेथड हेड सैलरी का कंप्यूटेशन करना। ओके, तो हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट से। क्या होता है कि कभी कभी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट का ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर का मतलब यहाँ ओनरशिप एंड पोजीशन बोथ, दोनों ट्रांसफर कर दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को। जैसे एक कार है, एम्प्लॉयर के पास एक कार है जिसका ओनर एम्प्लॉयर खुद है। कुछ समय उसे यूज करने के बाद वह कार अपने एम्प्लॉय के नेम ट्रांसफर कर देता है, एम्प्लॉय को सेल कर देता है, या हम यह कहें कि सेल कर देता है। तो उसकी वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट का ट्रांसफर कर रहा है तो वो मार्केट वैल्यू से कम पर ही ट्रांसफर करता है, क्योंकि वह एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहता है। ठीक है, तो इस पर्पज से वह मार्केट वैल्यू से कम दाम पर ही ट्रांसफर कर देता है उस कार को। तो कहा गया कि इस केस में एम्प्लॉय के हैंड में कुछ परक्यूजर्स बनेंगी जो कि टैक्सेबल किया जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में अंदर दी हेड सैलरी हेड में। ओके, तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर बताया गया है ओनली वन मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट का मतलब वह एसेट जिससे हम एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। ओके, ट्रांसफर का मतलब है ट्रांसफर, यहाँ ओनरशिप या पोजीशन दोनों ट्रांसफर कर दिया जा रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को। ओके, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज डिटरमाइंड एज अंडर, पहला बताया गया है। देखिए, यहाँ पर जितनी भी मूवेबल एसेट होती हैं उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी वह है जो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की आएगी। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की एक कैटेगरी बनेगी। सेकेंड कैटेगरी हमारी बनेगी मोटर कार की, एंड थर्ड कैटेगरी बनेगी अदर देन अदर एसेट की। इन दोनों को छोड़कर जो भी एसेट आएंगी वो तीसरी कैटेगरी में शामिल कर ली जाएंगे। यानी ये पहला कैटेगरी हमारा है, ये सेकेंड कैटेगरी है, एंड यह थर्ड कैटेगरी है। पहला कैटेगरी हमारा कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है, सेकेंड कैटेगरी हमारी मोटर कार्स की है, एंड थर्ड कैटेगरी वो है जो इन दोनों में शामिल नहीं की जाएगी, वो थर्ड कैटेगरी में एसेट चली जाएगी। ओके, तो यहां पर बताया गया है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स क्या होगा? डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट। और डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए बताया गया है कि डिप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ऑन WDV फॉर इच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूजेज। 50% रेट के हिसाब से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और किस मेथड से? WDV मेथड से चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन। WDV मेथड का मतलब रिटेन डाउन वैल्यू। हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हमको आता है, किस तरह से डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं? जो वैल्यू होती है, जो बैलेंसिंग फिगर होता है किसी एसेट का, उस पर हम WDV मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके बैलेंसिंग फिगर पर एसेट के। जैसे सपोज करिए कि एक एसेट है जो कि एम्प्लॉयर द्वारा 1 जनवरी 2015 को परचेज की गई थी। ओके, कितने रुपए की परचेज की गई थी? 1,00,000 रुपए की परचेज की गई थी। ओके, तो कहा गया इस पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/12/2015 को। एक ईयर कब इंड हो रहा है? 31/12/2015 को। 1 जनवरी को अगर कोई एसेट खरीदी गई है तो 31 दिसंबर को उसका एक वन ईयर कंप्लीट हो जा रहा है। तो 31/12/2015 को हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 50% ऑफ इस बैलेंस पर। तो कितना आ जाएगा हमारा? 50,000 रुपये आ जाएगा बैलेंस 31/12/2015 को। अगर अब अगले साल 31/12/2016 को अगर हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ऑन WDV मेथड से, तो कितना हो जाएगा? तो ये 25,000 डिप्रिसिएशन हो जाएगा एंड 25,000 रुपये रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। तो इसको हम, इस तरह के मेथड को हम WDV मेथड्स कहते हैं। और इस तरह से हम अपने एसेट को डिप्रिसिएट करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा,
जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कहा जाएगा, और कुछ अमाउंट अगर रिकवर किया गया होगा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से तो उससे हम लेस कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूजेज, कंप्लीटेड ईयर यानी जितने कंप्लीट ईयर यूज कर लिया गया होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के द्वारा उस एसेट को, सिर्फ हम उतने ही ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सपोज करिए अगर एक एसेट खरीदी गई है 1 जनवरी 2015 को और इसे अब तक एम्प्लॉयर ने थ्री ईयर्स एंड 11 मंथ यूज किया है, 11th मंथ यूज किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो इस 11th मंथ को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ओनली वन हम कंप्लीट ईयर्स को कंसीडर करते हैं और 3 कंप्लीट ईयर्स का हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक, उस एसेट पर, और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स वही हो जाएगा। और सेकेंड केस में बताया गया है मोटर कार्स के बारे में, यहाँ बताया गया है डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट, यहाँ पर भी हम डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट ही लेंगे। ओके, और वह उस पर हम डिप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करेंगे, बताया गया है डिप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन WDV मेथड्स, कार पर हम सिर्फ 20% के रेस्ट से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितने ईयर के लिए, उतने ईयर के लिए जितने कंप्लीट ईयर एम्प्लॉयर द्वारा उस एसेट को यूज किया गया होगा। ओके, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूज, कंप्लीटेड ईयर होना चाहिए, ठीक है। और फिर बताया गया है यहाँ 50% क्यों है, यहाँ 20% क्यों है, इसका एक लॉजिक ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर आइटम्स होते हैं वो बहुत जल्द खराब होने वाले होते हैं या उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी चेंज होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम उस पर हायर रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कार है, कार इतनी जल्दी उसमें टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है और इतने उसकी लाइफ जो होती है वो लॉन्ग होती है, इसलिए उस पर हम कम रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक। और जो हमारा लास्ट केस है एनी अदर एसेट के केस में बताया गया है डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट, इसमें भी हम डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे और उस पर हम डिप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करेंगे, बताया गया है डिप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन SLM मेथड्स, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूजेज, जितने ईयर यूज किया गया होगा एम्प्लॉयर के द्वारा उस एसेट को उतने के उतने ईयर्स के लिए हम SLM मेथड से डिप्रिसिएशन उस एसेट पर चार्ज करेंगे और जो हमारा बैलेंस बचेगा वही बैलेंस क्या हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में परक्विजिट्स कहा जाएगा। लेकिन अगर कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर ने चार्ज किया होगा तो उस अमाउंट को हम उस बैलेंस फिगर में से लेस कर देते हैं और जो अमाउंट उसके बाद हमारा आता है वो हमारा टैक्सेबल परक्विजिट्स कहा जाता है। कुछ नोट्स दिया गया है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। Where the employee is paying any amount in respect of such asset, the amount so paid shall be deducted from the value of perquisites determined above. यानी कोई भी अगर amount charge किया गया होगा employer के द्वारा employee से तो उससे हम deduct कर देते हैं और जो amount बचता है वही हमारा perquisites की value कही जाती है और वह employee के हैंड में taxable होती है और income under the head salary head में taxable की जाती है। ओके, तो हम अपने इस lecture को यहीं end कर देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।